खरगोन जिले के सेगांव में धर्म गुरुओं के साथ बैठक में तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार ने रूपरेखा बनाते हुए कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें शादी के समारोह भी आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। यह कोरोना से लड़ाई का वक्त है। आरती पूजा हो या नमाज हो, सामूहिक रूप से कतई न करें। इस दौरान पुलिस चौकी प्रभारी राजेंद्र आवासिया ने कहा कि हमें सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, धार्मिक आयोजन न हो, दूसरा, सामाजिक दूरी, तथा तीसरा, इस लड़ाई में हम सब का समन्वय। बहुत हद तक हमें जीत दिलाने में कामयाब हो जाओ। हम हर कीमत कोरोना को हराना चाहेंगे, जिसमें आप सभी धर्मगुरुओं की भागीदारी जरूरी है। सेगांव संजय जायसवाल की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार संपूर्ण देश में लॉकडाउन है और धर्मगुरुओं को इसलिए बुलाया गया कि उनके समाज, उनके आस पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, उनके मोहल्ले के यदि किसी प्रकार के कोई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम न करे, कोई बीमार है, ऐसा लगता है वो संक्रमित है, उसकी तत्काल सूचना शासन प्रशासन को दे और सभी के प्रति जागरूक रहे। इसी उद्देश्य से आज धर्म गुरुओं को बुलाकर धर्म के प्रति उनकी आस्थाओं को देखते हुए व्यक्ति धर्म गुरुओं की बात जल्दी मानता है, इसलिए सबको बुलाकर उनको बताया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।